नमस्कार आदाब गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान की आवाज न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हरेश गज्जर। आज अभी अहम खबर आ रहे हैं गुजरात के धोलेरा सर से, जहां पे हमारे संवाददाता पारस राठौड़ मौजूद है। तो आइए हम ले चलते हैं धोलेरा सर, जहां पे 2010 में गवर्नमेंट और भारत सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था धोलेरा सर धोलेरा सिटी के लिए। तो आइए हम आपको रूबरू ले चलते हैं हमारे संवाददाता पारस राठौड़ के पास। नमस्कार, मैं पारस राठौड़, आप देख रहे हैं इस वक्त हिंदुस्तान की आवाज। आपको आज ले चलते हैं सीधे गुजरात का मॉडल सिटी माना जाता है, जो ये फिल्म सिटी के नाम पे उभरा था। 2014 की बात करें, 2014 ये पहला सीढ़ी था जिसपे पैर रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी केंद्र में सरकार स्थापित कर दी। ये आप देख सकते हैं मेरे सामने, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कैमरा पर्सन कहूंगा तरफ, मेरी तरफ देखें। ये मिट्टी नहीं एक सोना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कल कुछ होना है यहाँ पे। यहाँ पे आपको ले चलते हैं, जो और लोग हैं उनसे मिलाते हैं। और ये फिलहाल 2014 के बाद जो ये काम है जो पूरे प्रगति पर, और ये अभी यहाँ पे विशाल संख्या में बहुत बड़ा एयरपोर्ट घोषित किया गया है, जिसको लेकर गुजरात सरकार और केंद्र सरकार दोनों साथ मिलकर सहयोग करके ये पूरा डेवलप कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे रात दिन काम भी चालू है और लोगों का आना जाना अभी से लगा है। यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ इसी को बातचीत करने हैं, वो भी आपको रूबरू करवाएंगे कि जो आगे यहाँ का विकास कहाँ तक। ये सबसे पहले आप देखें मेरे पीछे जो एक जेसीबी भी जा रहा है, जो यहाँ का विकास विकास आपको ले चलते हैं, विकास दिखाते हैं कि विकास की तौर पे ये जो विकास दिख रहा है, विकास दिनों दिन रातों रात दिखना चौगना बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहाँ से ये धरती ऐसी है जहाँ पे प्रधानमंत्री यहाँ से निकले थे और सीधे जाके केंद्र में अपनी सरकार बनाई थी, और अभी पूरा का पूरा काम गुजरात सरकार विजय भाई रूपाणी की स्थिति में ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है। हमारे साथ इसी को बातचीत करने के लिए है जो यहाँ के, जो आप कहाँ से सर आ रहे हैं? मैं रीवा एमपी से आया हूँ। एमपी से क्या सुन के आए? गुजरात में कैसा लग रहा है ये पूरा फिल्म सिटी देख के? बहुत अच्छा लग रहा है, जो सुन के आया हूँ उस सबसे बढ़िया है, बेहतरीन है। सुने थे 75,000 एकड़ का प्रोजेक्ट है, धुलेरा स्मार्ट सिटी बन रही है। दुबई जाने की आवश्यकता भविष्य में नहीं पड़ेगी, आपको धुलेरा आना पड़ेगा। तो अच्छा लग रहा है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि जरूर जो चीजें सुना हूँ वो होगा आने वाले समय में। ठीक है, होगा। तस्वीर अभी कांच पे है, देखते हैं कोई पत्थर ना मारे तब तक तो बन जाएगी, नहीं तो बीच में अटक जाएगी या लटक जाएगी, तो विषय है सरसा का। लेकिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए और भी मैं आपको रूबरू करवाना चाहूंगा जो मेरे साथ सहयोगी हैं। आइए सर, बातचीत करते हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं और आपने स्टेट मैन और हमारे गुजरात में इंग्लिश मैन का भी चोच लिया है, क्या कहेंगे? सर मैं भोपाल से आया हूँ, अरुण द्विवेदी हूँ, अरुण द्विवेदी नाम है हमारा। और धुलेरा के बारे में हमने वीडियो में देखा, गूगल में देखा, और काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है यहाँ पे, लगभग 75,000 एकड़ का जो यूट्यूब में वॉक थ्रू में बनाया है और जो पड़ा हुआ है उसको देख करके हम लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे प्राइवेट बॉडी भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, बड़े बड़े बिल्डर कर रहे हैं, और उसी निवेश के सिलसिले में हम भी एमपी से यहाँ आए हुए हैं। हम लोग भी देखना चाह रहे हैं कि पहले का इसका जो लैंड्स थी उस लैंड्स में कितने परसेंट की ग्रोथ हुई है। तो लगभग बहुत परसेंटेज में इनकी ग्रोथ हो गई है। अब आने वाले समय में ये प्रोजेक्ट अगर वर्किंग में लगा रहेगा तो बहुत बड़ी संभावनाएं। देखा जाए तो एमपी में तो अभी सरकार फिलहाल बदल चुकी है और दो तीन दिन में शपथ विधि हो जाएगा। फिलहाल गुजरात में एक बहुत पूरे भारत में नाम लिया जाता है गौरव, जो जिसको विकास मॉडल कहा जाता है। तो अभी आपका कदम एमपी से उठकर गुजरात की तरफ आएगा? गुजरात के मॉडल को देख करके तो पूरा देश चल रहा है, गुजरात के मॉडल को तो देख करके ही आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने। और गुजरात में तो हम मध्य प्रदेश में भी हमारी स्थितियां अब अच्छी हो गई हैं, 15 साल पहले हमारी पोजीशन बड़ी खराब थी, बीमारू राज्य था, लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट वहां आई और काफ़ी डेवलपमेंट हुआ शिवराज सिंह चौहान जी के माध्यम से। गुजरात में आने का सिर्फ ये श्रेय है कि हम लोग छोटे छोटे निवेशक हैं और हम लोग आए हैं यहाँ पे कि हमारे पैसे की, हमारे निवेश की थोड़ा सा एक सिक्योरिटी रहेगी और व्यवस्था रहेगी, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट जो है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है और सही काम करती है। ये विकास मॉडल की बात करें तो पूरे भारत में नंबर वन पे आता है, लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव भी अभी करीब हैं और प्रधानमंत्री यहाँ से निकले थे, जो अच्छे अच्छे नेता, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री, बीजेपी का अध्यक्ष, सब यहाँ से निकले हैं पूरे गुजरात के, तो गुजरात से लोग आना पसंद करेंगे। लेकिन ये ऐसा कोई प्रोजेक्ट एमपी में नहीं है अभी तो? एक हमारे यहाँ एमपी में प्रोजेक्ट वही 700-750 मेगावाट का रीवा में एक प्रोजेक्ट चालू हुआ, उसको कहा जाता था कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है सोलर एनर्जी पे, रीवा का प्रोजेक्ट 750 मेगावाट का। यहाँ तो ये बताया जा रहा है
विश्वसनीय सूत्रों से जो टीवी में हम देख रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं कि 5000 मेगावाट का बन रहा है। 5000 मेगावाट तो पूरे विश्व में, जब 750 मेगावाट अमेरिका में था तो यहाँ तो सबसे बड़ा है पूरे विश्व में। तो एमपी से उठे कदम गुजरात की तरफ एक से बढ़कर एक अभी गुजरात निवास करने के लिए आ रहे हैं और अपना इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं, अपनी कंपनियों को मजबूत करने आ रहे हैं। जो यहाँ आपने सुना कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट एमपी में नहीं है लेकिन गुजरात में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है और जहाँ का विकास मॉडल कहा जाए तो गुजरात में एक नंबर का है और ये सबसे बड़ी चीज है, ये गुजरात में मनाया जा रहा है। और ये बात देखी जाए तो आपको एक जिसको जब ये चालू किया गया तब गुजरात गवर्नमेंट इसको डेवलपमेंट किया है और अभी भी लगी हुई है, पूरा प्रोजेक्ट देख रही है वो और इस सरकार के अंतर्गत। कोई यहाँ पे आने वाले को ऐसा उनका कहना है कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब ऐसी कोई फ्रॉड स्कीम नहीं है तो आने वाले को बहुत ही अच्छा मैसेज होगा। कैमरा पर्सन पी आर चौहान के साथ पारस राठौड़, धौलेरा से हिंदुस्तान की आवाज़।